मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? मैम गुड मॉर्निंग। मैम फाइन। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम गुड मॉर्निंग। रुको। ओके मैम। हाँ जी। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव सॉल्व द 10 वर्कशीट। ओके बेटा, वेरी गुड। मैम नाउ आई एम डूइंग द 11th वर्कशीट। ओके बेटा। माय टू सम और टू सम इज कंप्लीटेड ऑफ 11th। ओके बेटा। मैम आई हैव डन। ओके बेटा। अर्शदीप सिद्धू कौन है? अर्शदीप सिद्धू बेटा, आपने आईडी क्यों नहीं साथ में लिखते आप? अर्शदीप सिद्धू बोलते हैं आपने यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर में। नेम बेटा आपका क्लास का होना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है। ओके बेटा। मैम तीन चार बच्चे हैं। हाँ जी बेटा, सभी को कोई ना देख ही नहीं हूँ सभी के मैं भी। क्या क्या लिखते हो आप? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम आप पता नहीं ले रहे अभी किसका नाम ले रहे मैम आप? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? I'm fine. How about you? Fine, beta, and thank you. I'm good morning. Good morning, beta. Good morning. Ma'am, good morning. Good morning, beta. Good morning. Ma'am, good morning. Good morning, beta. हाँ जी बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। बच्चे सभी ऐड हो गए, हो चुके हैं। ठीक है, चलो बेटा हम क्लास लगाते हैं, शुरू करते हैं। सभी बच्चों ने वर्कशीट 9 सभी के कंप्लीट है बेटा? यस मैम। या मैम, वर्कशीट कंप्लीट है बेटा सभी बच्चों? कोई बात नहीं बेटा। मैम वर्कशीट में मैम कितने पेज आएगी? मैम क्या मैम वर्कशीट कितने पेज से कितने तक कंप्लीट करनी है? बेटा आपने देखो सभी 10-5 तक तो मैंने, 4 तक तो करवाई हुई है स्कूल में आपको। ठीक है मम्मी। यस ठीक है। 4 तक फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड भी हमने 4 करनी है। जो बीच में 5 रह गई है बेटा वो आपने खुद करनी है। आपको पता है ना ये चीज का? तो वर्कशीट 10 करनी है। हाँ जी, टोटल 10 हो जाएंगी बेटा। कितनी करवाई है आपने? मैम ओके बेटा, देखो हमने, मैंने करवाई हुई है वर्कशीट 7th क्लास की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपको करवाई हुई है। ठीक है, फिर हमने वर्कशीट बेटा करवाई हुई है 9th से स्टार्ट। ठीक है मैम, हमारी नहीं पूरी। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज आपको भेजूंगी, सभी बच्चों ने पूरी कर ली। ठीक है मैम ओके बेटा।
जिसकी पूरी नहीं है बेटा वो पूरी कर लेना आपकी। ओके बेटा हाँ जी। चलो बेटा देखो हम स्टार्ट करते हैं क्लास अभी, ठीक है हमारा टाइम हो चुका है। चलो देखो बेटा सभी हम देखते हैं, आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी बेटा देखो ये हमारी स्क्रीन, ठीक है देखो यहाँ पर बेटा वर्कशीट 9 सभी की कंप्लीट ये तो हो ही गई है, ठीक है मैंने कल करवा दी थी। आज हम कर रहे थे वर्कशीट, ठीक है 10 कर रहे थे। ओके बेटा 10 की हमने बेटा क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ पर 8 क्वेश्चन का हम मैंने 6 का सेकंड पार्ट आपको बोला था करने के लिए। सभी ने किया है, सभी बच्चों ने किया है बेटा? हमें फिर से समझा दो। ओके बेटा चलो ठीक है आगे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है सभी बच्चों ने अनम्यूट रहना है, ये आज हमने कंप्लीट करनी है ठीक है वर्कशीट, ठीक है ओके बेटा। तो हम इसकी रिपीट करें, ठीक है हमारे पास मैम भेज देना। हाँ जी बेटा देखो हमने जो हमारा था 6 क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है डिफरेंस किसे कहते हैं बेटा, माइनस को हम क्या बोलते हैं डिफरेंस बोलते हैं। ओके बेटा तो हमने इन दोनों के बीच में क्या बताना है डिफरेंस बताना है। तो बेटा देखो डिफरेंस हम कैसे बताएंगे, देखो जो हमारे पास क्या दिया गया है 9/8 -3/4, ठीक है मैं इसको व्हाइट पेपर बोर्ड पर कर कर बताती हूँ क्योंकि बेटा आपके पास सामने फिर ठीक है पता चल जाएगा। देखो हमारे पास क्या है 9/ क्या है बेटा क्वेश्चन 9/8 है, और माइनस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, ये पार्ट कर कर बताती हूँ सभी बच्चों ने अच्छे से देखना है ठीक है। थ्री अपॉन फोर है, ठीक है बेटा ये चीजें हमारे पास हैं, ठीक है तो बेटा देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं हमारे इनके डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर इनके क्या हैं। तो देखो यहाँ पर बेटा 9/8 डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, ये नीचे जो होते हैं ये क्या होते हैं ग्रीन कलर, इसको मैं लिखती हूँ ठीक है येलो कलर से लिख देती हूँ, ये हमारे होते हैं डिनोमिनेटर, इस ये क्या होते हैं हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं ठीक है बेटा, ये हमारे क्या होते हैं डिनोमिनेटर्स होते हैं। 8 और 4 क्या है बेटा हमारे डिनोमिनेटर्स है ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स को बेटा हम क्या कहते हैं, पहले जब दोनों को डिनोमिनेटर सेम हो फिर तो हम क्या लिखते हैं सेम, नीचे लाइन लगाकर ऐसे फिर हम सेम लिख लेते हैं। बट बेटा अभी देखो इनके डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 4 है ठीक है, फिर हम क्या लेंगे बेटा इनका एलसीएम, ठीक है एलसीएम कैसे लेते हैं देखो हमने यहाँ पर लिख लेना है एलसीएम, देखो बेटा साथ में आपने साइड पे ऐसे निकाल कर देखना है ठीक है। एलसीएम देखो क्या कितना लिखा हुआ है, 1 तो 8 लिखा हुआ है और 1 क्या लिखा हुआ है बेटा 4 लिखा हुआ है ठीक है। तो 8 और 4 किसके टेबल में जाते हैं, 2 के टेबल में आते हैं ना 8 और 4, पहले हम 2 से डिवाइड, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे कर लेते हैं ठीक है। 2 के टेबल में 8 कहाँ पर जाता है बेटा 4 पर, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रुको बेटा ये लाइन लग गई है मुझसे गलती से, हाँ जी देखो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर 4, 4 2 का क्या होता है बेटा 8 ठीक है, 2 2 का क्या होता है बेटा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ठीक है। तो फिर बेटा हमने देखना है यहाँ पर आ गया, तो देखो अभी 4 और 2 किसके टेबल में जाते हैं, 2 के टेबल में जाते हैं ठीक है, 2 के टेबल में जाते हैं ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 का 8, तो 2 2 का क्या होता है 4 होता है, यहाँ पर क्या 4 को कट कर क्या आ जाएगा बेटा 2 ठीक है।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू वन का टू, यहाँ पर वन आ जाएगा। ओके बेटा, तो आखिर में देखो यहाँ तक जब तक वन नहीं आता तो हमें वहां उसका एलसीएम लेते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, टू, ठीक है। टू वन का क्या होता है बेटा, टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा और यहाँ पर भी वन आ जाएगा। देखो बेटा, टू वन का टू, टू टू का क्या होता है फोर, टू को टू के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्या आ गया, टू टू का फोर आ गया, फिर फोर यहाँ पर फोर आ गया, ठीक है। फिर फोर को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, टू के साथ, ठीक है। फोर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा हमने, ठीक है, टू के साथ करना है, ठीक है। फोर टू का क्या होता है बेटा, एट होता है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एट। फोर टू का एट, ओके बेटा। फोर टू का क्या आ जाएगा बेटा, एट, ठीक है। ऐसे इसको हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट। एट और देखो बेटा, डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। एट को जब हमने एट के साथ डिवाइड किया तो हमारा क्या आया बेटा, वन, ठीक है। एट को जब हमने एट के साथ डिवाइड किया तो वन आया। वन नाइन का यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, नाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा नाइन आ जाएगा। तो एट फोर का क्या होता है, ठीक है, एट फोर, एट के टेबल को अभी फिर क्या करना है हमने, फोर को क्या करना है, फिर एट के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। फोर टू का एट, देखो बेटा डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पर डिवाइड एट को, देखो आप ऐसे लिख लिया करो क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा एट, ठीक है। यहाँ पर भी हमने किसके साथ डिवाइड करना है, एट के साथ ही डिवाइड करना है, ऐसे, ठीक है। एट वन का क्या हो गया, एट। देखो एट को जब इसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। वन नाइन का नाइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, नाइन आ जाएगा, ठीक है। अभी एट को जब हमने फोर के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया बेटा, टू आया। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऊपर टू को हमने किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, थ्री के साथ, ठीक है। टू थ्री का क्या होता है बेटा, सिक्स। टू थ्री का क्या होता है बेटा, सिक्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो बेटा क्या आ जाएगा, सिक्स होता है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एट आ जाएगा। और बेटा देखो, नाइन में से जब हमने सिक्स माइनस किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, थ्री। तो हमारा आंसर कितना आया बेटा, थ्री अपॉन एट। ओके बेटा, तो हमने ये सब ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा 3/8 इसका आंसर इज अ राइट, ठीक है। तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सिक्स पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है देखो हमारे पास बेटा, अच्छे से देखो फिर दोबारा देख लो, इसका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है हमने, ठीक है। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास 1/2 है, इसमें भी क्या बताना है हमने, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंस बताएंगे 1/4 के साथ, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमने इसका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो बेटा इसमें क्या करना है हमने, पहले क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है और 2 और 4 का एलसीएम लेना है, ठीक है। देखो बेटा, एक इसका जब आप एलसीएम लेते हो, जब देखो दोनों चीजें, देखो यहाँ पर 8 और 4, ठीक है, किस टेबल में आता थे, 4 के टेबल में आते थे ना दोनों, ठीक है। तो जो बड़ा होता है वो हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, 2 और 4 हैं, दोनों एक टेबल में आते हैं ना, तो हम इसका एलसीएम क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। जो चीजें बेटा एक टेबल में हो, देखो 2 और 4 एक टेबल में आते हैं, तो इसका एलसीएम हम क्या लेंगे, 4 लेंगे,
ठीक है बेटा, तो 4 को जब हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 4 को हमने बेटा करना है, ठीक है, 4 को पहले हमने डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, 4 को हमने 2 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है, और 4 को हमने यहाँ पर बेटा 4 के साथ भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर 4 को यहाँ पर डिवाइड कर कर कितना आया, 4 को जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 2। तो यहाँ पर हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है बेटा, 2 के साथ। जो डिवाइड कर कर आता है बेटा डिनोमिनेटर के साथ हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कितना आया था बेटा, 2, तो 2 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 1 का क्या है, 4 को हमने किसके साथ डिवाइड करना है बेटा, 4 के साथ, 4 1 का 4, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 1 का 1, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को जब हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बेटा क्या आया हमारा, 1, ठीक है। तो हमारा आंसर बेटा क्या आएगा यहाँ पर, 1, 2 में से जब हमने 1 माइनस किए तो हमारे पास 1/4, ये हमारा इज अ राइट आंसर, ठीक है। सभी का आंसर बेटा यही आ रहा है, तो इसका आंसर बेटा यही आएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट सम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सम बेटा क्या था, ठीक है, आगे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो देखो बेटा सभी ये क्वेश्चन बता दो, जिसे जिसको नहीं समझ में आया बेटा तो वो मुझे, ठीक है, बता सकता है, ठीक है। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। देखो जिसको बेटा समझ में नहीं आया बेटा वो हैंड राइज कर दो, फिर मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ ये सम। हाँ जी, पहले शिव शर्मा अनम्यूट हो जाओ बेटा। समझ आ गया बेटा? मैम सेकंड सम थोड़ा सा नहीं समझाया। कहाँ से नहीं समझाया? मैम आपने मैम ये वो डिनोमिनेटर है ये कैसे किया है? बेटा देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर कैसे लिया है, देखो 4 को देखो बेटा हमने, देखो 2 और 4 है, ठीक है, इसका क्या लेना है हमने, एलसीएम। देखो बेटा जब एलसीएम हमने लेना पड़ता है, देखो 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं ना, 2 और 4, ठीक है। yes. तो जो बड़ा बड़ा होता है ना, बड़ी स्टेटमेंट है, देखो 2 बड़ा है या 4 बड़ा है? मैम 2 4 है, 4 बड़ा है ना, तो हमने 4 को क्या लेना है बेटा, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। ओके बेटा, जब हमने 4 को एलसीएम ले लिया तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, दोनों को क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास इक्वेशन है 4 को हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा डिवाइड कर कर आया है। पहले तो हमने बेटा दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब हमने 4 को 2 से डिवाइड किया बेटा तो हमारे पास कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो जब 4 4 को हमने डिवाइड किया 4 के साथ तो हमारे पास कितना आया, 1, ठीक है बेटा, ठीक है शिव शर्मा? Yes. तो यहाँ पर 2 - 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 - 1, 2 में से जब हमने बेटा 1 माइनस किए तो हमारा क्या आया, 1/4 इज अ राइट, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट अभी नवदीप अनम्यूट हो जाओ बेटा, नवदीप। हाँ जी नवदीप, आपको क्या नहीं समझाया बेटा? मैम अब समझ आ गया मैम, पहले हमारी मैम कनेक्टिंग मैम डिसकनेक्टिंग हो जा रही थी। ओके बेटा, ओके। हाँ जी यशदीप शर्मा, आपको क्या नहीं समझाया बेटा यशदीप? मैम हमें मैम दोबारा से समझा दो मैम, हमारी हमसे मैम कट हो गई थी क्लास। ओके बेटा, हाँ जी बेटा, कहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ मुझे। मैम जी सेकंड वाला समझा दो मैम, जहाँ से कट हो गई थी हमारी क्लास। हाँ जी बेटा, देखो सबसे पहले देखो, जब भी देखो बेटा हम एलसीएम लेते हैं ना, पहले हम देखो जब भी देखो डिफरेंस पता हो करना हो फ्रैक्शन का, ठीक है, तो हमने क्या करनी है बेटा, एलसीएम लेनी होती है, ठीक है। सीधा तो हम एलसीएम कर नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं।
टू और फोर का क्या लेंगे हम, एलसीएम। देखो बेटा जब ये दोनों चीजें एक टेबल पे आए, ठीक है, टू और फोर एक टेबल पे आते हैं ना, ठीक है, टू और फोर एक टेबल पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, जो बड़ी बड़ा होगा ठीक है डिजिट वो हम लिख लेंगे। टू बड़ा है या फोर, फोर बड़ा है ना यशदीप, तो हमने एलसीएम इसका क्या लिया, फोर, ठीक है। फिर फोर को हमने बेटा यहाँ पर डिवाइड कर देना है, फोर को हमने किसके साथ, टू के साथ डिवाइड कर देना है, और फोर को फोर के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। Okay. जब फोर को हमने टू से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया बेटा, टू। फिर डिनोमिनेटर के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके बेटा, ठीक है, टू वन का कितना आ गया, टू, अभी समझ में आ गया बेटा, बस फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर कर फिर जो आंसर आएगा वो उसमें माइनस कर देना है। यहाँ पर देखो टू आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन। टू में से जब हमने वन को माइनस किया तो वन अपॉन फोर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, कोई बात नहीं बेटा, वेलकम, थैंक यू की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा, हाँ जी, किसको नहीं समझ आया बेटा, फिर मैं आगे करती हूँ शुरू। जिसको समझ नहीं आया अभी भी हैंड राइज कर दो बेटा, फिर मैं इसको इरेज करूंगी। हाँ जी अर्शदीप कौर, हाँ जी अनम्यूट हो जाओ बेटा। मैम हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखना दिखाते हैं मैम। बेटा आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है बेटा, आप, आपको मेरा नंबर पता है अर्श मैम? यस, उस पे भेज देना, फिर मैं आपको बता दूंगी भी आप सही कर रहे हो कि गलत है, ठीक है। ओके, क्योंकि मम्मी मेरे क्लास लग रही है, एक मिनट मैम। ओके 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 बेटा, हाँ जी चलो बेटा हम आगे आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, एक मिनट बेटा रुको, मैं हाँ जी बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन करना है हमने। मल्टीप्लिकेशन क्या करना है देखो, आपकी वर्कशीट में निकालो बेटा, वर्कशीट किसे, ठीक है, वर्कशीट निकालो। हाँ जी बेटा, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है हमारा, मैं आपके साथ स्क्रीन पहले शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सभी बच्चे सम देख लेंगे हम कौन सा करेंगे, ठीक है। देखो हमारा ये वाला मल्टीप्लाई है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, 1 6/7 × 12, ठीक है। तो इस सम को हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो ध्यान से बच्चे अच्छे से देखो, ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा ध्यान से मैं आपको सॉल्व कर बताती हूँ। हाँ जी देखो बेटा आगे 7th क्वेश्चन, हाँ जी बेटा 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास है 1 6/7 into 21, ठीक है। 7th क्वेश्चन में बेटा हमारे पास ये चीजें हैं, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है देखो बेटा। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसको सिंपल क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शन में डालेंगे। ये तो आपको करना आता है ना, जब हमने क्या करना होता है, 7 को हमने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 × 1 = 7, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 × 1 = 7, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 आएगा, और 7 × 1 = 7, 7 में से बाद 7 में से हमने बेटा 6 क्या करनी है, ऐड करनी है,
जब हमने 7 में से 6 ऐड करे तो हमारे पास कितना आया बेटा 13, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया बेटा 13 आया, ठीक है। फिर इनटू मल्टीप्लिकेशन में कितना पड़ा है हमारे पास 21, ओके बेटा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। अभी 7 के टेबल में 21 आता है ना, कितने पे आता है यहाँ पर, 71 का 7, 72 का 14, 73 का 21। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 को कट कर कर बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट रह गई, एक तो 13 रह गई और एक 3 रह गई। यहाँ पर इसके बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। फिर हमने 13 को बेटा, ठीक है, 3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जब हमने 13 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास कितना आया आंसर बेटा, 39, ठीक है। 13 3 का 39, ओके बेटा। यहाँ पर क्या आ गया आंसर, 39 आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा देखो, 7 का ही सेकंड पार्ट है आगे। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड इसका असाइनमेंट का देखो। सेकंड पार्ट में बेटा क्या है, 1 दिया हुआ है, 3/4 है, इंटू 2/3 है, ठीक है, इंटू 4/28 है, ठीक है बेटा। इन सभी को क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो बेटा, इसमें से फर्स्ट है जो वो सिंपल फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको बेटा हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में सिंपल में चेंज कर लेना है, ठीक है। 4/1 का क्या होता है बेटा 4, ठीक है। 4/3 का क्या होता है बेटा 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12/4, ओके बेटा। तो 12/ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 12/4 आएगा, नो रॉन्ग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, देखो 4/1 का 4, 4 में से हमने किस क्या ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं, ठीक है। मैंने इसीलिए किया है, अभी देखते हैं अभी कोई मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, 4/1 का 4, 4 में से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई के बाद हम 3 ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, ओके बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर किसकी निशानी है बेटा, मल्टीप्लिकेशन की। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/ क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ पर, 4/ क्या है बेटा, 28। अभी देखो बेटा, जो चीजें कट हो रही हैं हमने वो चीजें कट करनी है, ठीक है। देखो बेटा इसमें, अभी देखो 2 के टेबल, 2 तो 28 से कट नहीं हो रहा, 3 4 के साथ कट नहीं हो रहा, तो देखो 4 4 से यहाँ पर कट होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7/4, ठीक है, 7/4 बेटा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 7/4, ठीक है। माइनस नहीं मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर बेटा, ठीक है, 7/4 मल्टीप्लिकेशन। हम 4/28 पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो चाहे मल्टीप्लिकेशन में जो चीजें पड़ी है, चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, ठीक है, आंसर तो वही आना है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 इंटू, फिर हमने बाद में क्या लिख लिया बेटा, 2/3, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, तो देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर 4 के टेबल में 4 कहाँ पर जाता है, 1 के साथ कट हो रहा है, ठीक है। और 7 के टेबल में 28 कहाँ पर आता है, 7/1 का 7,
ठीक है, यहाँ पर सेवन पे कट कर कर कितना आया, वन, सेवन वन का सेवन, सेवन टू का फोर्टीन, सेवन थ्री का ट्वेंटी वन, सेवन फोर का क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कट कर कर, फोर, ट्वेंटी एट, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या बचा हमारे पास, देखो ध्यान से, तो हमारे पास बेटा यहाँ पर बचा, देखो यहाँ पर तो कट कर कर कितना आ गया, वन, सभी चीजें कट हो गई हैं, वन आ जाएगा इनटू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, वन अपॉन फोर, फोर रह गया है बाकी, और यहाँ पर क्या रह गया बाकी बेटा, देखो इनटू टू अपॉन थ्री बचा है, ठीक है, टू अपॉन थ्री क्या यहाँ पर बाकी बचा है, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, वन अपॉन फोर, यहाँ पर क्या बचा, टू अपॉन थ्री, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या बचा, टू अपॉन थ्री बचा। अभी फोर के टेबल में, टू के टेबल में फोर जाता है ना, टू वन का टू, टू टू का फोर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा अभी यहाँ पर क्या बचा, टू और थ्री बचे, बाकी सब क्या आता है, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया वन आ गया, फिर वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वन आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, वन आ जाएगा, थ्री टू का क्या आ जाएगा बेटा, सिक्स, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थ्री टू का सिक्स इज द राइट आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। हाँ जी बेटा, अभी जिसको बेटा प्रॉब्लम है कोई भी, ठीक है, वो हैंड राइज कर दो, जसकरण कर रहा है, जसकरण अनम्यूट हो जाओ बेटा। मैम आई, मैम क्लास, मैम डिस्कनेक्ट हो गई थी मैम, दोबारा समझाना। हाँ जी बेटा समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो बेटा इसमें क्या था, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वन, ठीक है, क्या है, वन इंटू सिक्स अपॉन सेवन दिया गया है इंटू ट्वेल्व। देखो ये फर्स्ट वाला प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है ना, पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा चेंज करेंगे। जब हमने वन सिक्स अपॉन सेवन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, थर्टीन। देखो सेवन का टेबल वन तक लर्न किया, सेवन वन का सेवन, सेवन में से हमने क्या करने हैं, सिक्स ऐड कर लेने हैं। जब हमने बेटा सेवन में से सिक्स ऐड किए तो हमारे पास कितने हो गए, थर्टीन, थर्टीन अपॉन सेवन, फिर क्या है हमारे पास, ट्वेंटी वन है, तो हमने बेटा ट्वेंटी वन यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर ट्वेंटी वन आ जाएगा। तो देखो सेवन का टेबल, सेवन के टेबल में ट्वेंटी वन आता है ना, कितने पे आता है, थ्री पे, तो सेवन को कट कर कर बेटा वन आ जाएगा, यहाँ पर कट कर कर थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो थर्टीन थ्री का क्या होता है बेटा, थर्टी नाइन, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ जी अभी समझ में आ गया बेटा। हाँ जी अभी सहजप्रीत अनम्यूट हो जाओ, सहजप्रीत। हमारा मैम ये आंसर सही है मैम, देखना मैं, हमने मैम खुद किया है। कौन सा, नहीं सुनो, कितना आ रहा है बेटा। हाँ जी बेटा सही है, 1/6 आ रहा है ना बेटा। हाँ जी बेटा, हमने मैम ये भी मैम ऑल कंप्लीट कर ली। ओके बेटा, वेरी गुड, क्लैपिंग बेटा। ये बच्चे ने देखो सारी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आगे शिव शर्मा बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने हैंड राइज किया है। जोन कटिंग की आवाज से नहीं समझाया। देखो बेटा कटिंग कैसे करते हैं हम, यहाँ पर टेबल्स में कटिंग करते हैं। देखो बेटा सेवन के टेबल में ट्वेंटी एट आता है, देखो। हाँ जी शिव शर्मा, ठीक है, कितने पे आता है वो, कितने पे आता है बेटा, सेवन फोर का क्या होता है, ट्वेंटी एट, तो सेवन को कट कर वन आ गया, ट्वेंटी एट को कट कर कितना आ गया बेटा, फोर आ गया, ठीक है बेटा। आगे बेटा फोर के टेबल में फोर आता है, फोर को हमने फोर के साथ बेटा क्या करती, कटिंग करती, तो हमारे पास कितना आया, वन। ओके बेटा, तो ऐसे हमने कटिंग करनी है, कटिंग कर कर बेटा हमारा आंसर कितना आ गया, वन अपॉन सिक्स। ओके बेटा। हाँ जी बेटा,
अभी मैं सभी बच्चों को अनम्यूट कर रही हूँ, जिसको बेटा कुछ समझना आया तो मुझे बता सकता है। बेटा ये कम्प्लीटली केयरफुली ये एक्सरसाइज सभी ने कम्प्लीट कर लेनी है, ठीक है। और बेटा जिसका रह गया आपने अभी घर से, कल को बेटा असाइनमेंट 11 शुरू करेंगे हम मंडे को, बेटा आपने सभी ने बेटा घर से ये करके लेके आनी है वर्कशीट 11, ठीक है। तो 10 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम है बेटा वो मुझे बता सकता है, मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है। टर्न बाय टर्न मुझे बताते जाना। हाँ जी बेटा, बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड राइज कर दो बेटा। सभी को बेटा समझ में आ गया बेटा? गुरजोत, हाँ जी यश जी, हाँ जी सहज, हाँ जी सहज अनम्यूट हो जाओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैम कोई भी नहीं, वो मैम वैसी हैंग हो गए फोन। ओके बेटा, हर्षदीप, हर्षदीप अनम्यूट हो जाओ बेटा। हर्षदीप मैम आपने फोन, हाँ जी बोलो बेटा। मैम आपने फर्स्ट चैप्टर की वर्कशीट करवा दी? हाँ जी बेटा, वो भी मैंने करवा दी है, वो प्रिया मैम ने करवाई हुई है बेटा। 4 मैम कोई बात नहीं बेटा, वो आपको वर्क सेंड हो जाएगा। आप ये बताओ, ये समझ में आ गया बेटा आपको? ओके बेटा, हाँ जी दीपक अनम्यूट हो जाओ बेटा। दीपक, दीपक बाबा कटिंग समझी नहीं, कहाँ से कटिंग नहीं समझाई बोलो बेटा। मैम जमन 7 और 4 की कीजिए। हाँ जी बेटा, देखो 7, देखो सबसे पहले हमने बेटा कैसे लिखना है, मैं आपको फिर से दोबारा से बता देती हूँ बेटा, रुको। हाँ जी बेटा देखो, यहाँ पर हमारे पास कितना था, 7/4 था, ठीक है। 7/4 क्या था बेटा, 4 था हमारे पास यहाँ, ठीक है। इनटू हमारे पास कितना था, 4/28 भी था ना, 28, ठीक है। पहले हम देखो इन दोनों में से, देखो बेटा 7 के टेबल में 28 आता है, yes. 7 को कट कर कर 1 आ जाएगा। 48 कितने पे जाता है, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 4 आ जाएगा। ओके बेटा, यस। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 4 है, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं यस। तो कितना आया बेटा हमारे पास, 1/4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/4 आया, यहाँ पर क्या है, 2/3 है, तो 2 के टेबल में भी आता है ना अभी 4, तो 2 को कट कर कर 1 आ गया, 2×2 = 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम, अभी 3 और 6 तो किसी से कट होते नहीं है, 3×2 क्या आ जाएगा बेटा, 6, तो ऊपर क्या सभी 1 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके बेटा, ओके मैम, हाँ जी यस। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? मैम नो, सभी को एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो बेटा। मैम डायरी मैम सेंड कर दोगे मैम ग्रुप में? हाँ जी बेटा, डायरी में सेंड करती हूँ, कर रही हूँ, ठीक है बेटा, अभी कर रही हूँ। ओके बेटा, ओके बेटा, अटेंडेंस लग गई है हमारी? हाँ जी बेटा, अटेंडेंस सभी बच्चों की लग चुकी है। ओके बेटा, मैम ओके, बाय बाय बेटा, सी यू ब्रो, मैम बाय बाय बेटा, बाय बेटा। मैम प्लीज वेट लिख कर, मैम क्लास कट जाती है हमारी। कौन है, नाम क्या है बेटा आपका? मैम दीपक। बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उसके कारण क्लास कट हो रही है आपकी। ओके मैम, ठीक है, बाय बेटा।